हाँ जी बिल्कुल जी, तहसील दीपालपुर के थाना बसीरपुर की हदूद में भाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ 3 साल की मासूम बच्ची को जो है उसके अपने ही वालदैन ने कत्ल करने के बाद उसकी बच्ची की गुमशुदगी का बकायदा तौर पर ड्रामा रचाया और पुलिस से बकायदा इस हवाले से एक FIR भी दर्ज करवाई। इस वक्त DPO काड़ा मेरे साथ मौजूद है, चूंकि ये मुहिम हल हो चुका है, ये इस केस का ड्रॉप सीन हो चुका है, इस बच्ची के अपने वालदैन ने ही इसको कत्ल किया, पुलिस के लिए ये एक टारगेट केस था, किस तरह से इस केस में पुलिस ने मुलजमान को ट्रेस किया, कैसे पुलिस अंदर पहुंची, DPO काड़ा फुरकान बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद है, इसे जानेंगे। सर ये तफसील बताइएगा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो मैं खुद मौके पर पहुंचा। एक बड़ा ही अंदोनाक वाकया था कि 3 साल की बच्ची को लाश हमें नेक्स्ट डे मिली, सामने ही जो कूड़े का ढेर था वहाँ से करके सामने, उसमें हमने FIR तो पहले दिन ही रजिस्टर कर ली थी 363 के अंदर, फिर उसमें 302 आज़ाद कर दिया गया। उसमें इन्वेस्टिगेशन चलती रही, 2-3 दफ़ा जो बच्ची की आसपास की वालदा थी, अल्लाह रखी उसने अपना बयान चेंज किया उसके ट्राउज़र के मुताबिक, कि ट्राउज़र का कलर पहले उसने हमें ब्लैक बताया, फिर रेड बताया, फिर पिंक किया। उसके अलावा जब प्लेस ऑफ इंसिडेंट को देखा गया तो वालिद के और इर्द गिर्द के मोहल्ले वालों के बयान लिए, हमने इंसिडेंट प्लेस को बहुत ज़्यादा जो है ना सर्टन किया, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा दूर से बच्ची को ला के वहाँ पर नहीं रखा गया डेड बॉडी को, ये कहीं करीब से ही था। तो कॉन्टिन्यूसली हमने इर्द गिर्द के जितने खाली मकान थे, जो लोग अकेले रहे थे, उनको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे जियो फेंसिंग आ गई, हमारी DNA की टीम आ गई, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई कि बच्ची के साथ कोई रेप की अटैम्प्ट या रेप नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमने फिर दूसरी लाइन में कर लिया कि अगर ये मर्डर हुआ है तो फिर कैसे हुआ है। तो मीनवाइल हमने घर के अंदर छुपाया गया बच्ची का ट्राउजर ढूंढ लिया, और फिर वालदा और उसके वालिद को अलग करके जब इंटरोगेट किया गया तो उससे पता लगा कि इन दोनों ने खुद ही बच्ची को रात को 2 बजे कत्ल किया। और वजह कत्ल यह थी कि सामने इनकी जो दूसरी देवर और देवरानी रहती थी, ये इनके आपस में बहुत ज़्यादा नाचाकी थी और ये दोनों ये कत्ल उनके ऊपर डाल के अपना बदला लेना चाहते थे। बच्ची थोड़ी सी मेंटली स्लो भी थी, मूवमेंट नहीं करती थी, और उस वजह से भी इन्होंने बच्ची को एक कि इसको हम कत्ल कर दें और सामने वालों पर डाल देंगे तो हमारा कम से कम ये जो है ना उनसे एक बदला पूरा हो जाए। तो उस लिहाज हमने फिर इन दोनों को पकड़ के इनकी 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर हमने ये केस सॉल्व कर। बिल्कुल जी, जैसे DPO साहब बता रहे थे कि मुलजमान ने इस वाकियत का मुजहरा करते हुए अपने अजीज़ो क़ारीब के ये कत्ल डालने के लिए 3 साल की मासूम बच्ची को जो है इस्तेमाल किया, उसको कत्ल करके नाहक कत्ल करके उसकी लाश फेंक दी गई और बाकायदा तौर पर उसके अगवा का पर्चा जो है, उसकी गुमशुदगी का पर्चा जो है दर्ज कराया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात करते हुए सफाक मुलजमान को जो है गिरफ्तार किया, शामिल तफ्तीश किया, जहाँ उन्होंने एक बाले जुर्म करते हुए ना सिर्फ पुलिस की मौजूदगी में बल्कि अदालत में भी, उन्होंने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भी बाले जुर्म करते हुए ये बताया कि उन्होंने अपने मुखालफीन के लिए उनके ऊपर जो है कत्ल डालने की गरज से बच्ची को जो है कत्ल किया था। आज मुलजमान जो है वो पुलिस की इस काबिश की बदौलत कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं और सलाखों के पीछे।